बनारस द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड। सो वैसे तो हमारे शहर बनारस को घाटों का शहर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ कुल 84 गंगा घाट हैं, जिनको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। सिर्फ इंडिया से ही नहीं, दूसरी कंट्रीज से भी लोग आते हैं बनारस के घाटों को देखने, घाटों पे विजिट करने, बनारस के कल्चर को देखने, बनारस के ट्रेडिशन को देखने, क्योंकि यहाँ की सभ्यता समय से भी पुरानी है। काशी विश्वनाथ की बसाई हुई नगरी है ये, तो खास तो होना ही था। सो बेसिकली बनारस की दिव्यता देखने का आपको एक शानदार मौका मिल रहा है इस मकर संक्रांति पर, क्योंकि बनारस में बहुत कुछ नया हो रहा है, हमारा बनारस बदल रहा है। सो वैसे तो मेरे पास दो लेटेस्ट अपडेट है। एक अपडेट तो है बैलून फेस्टिवल की, कि बनारस में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल वापस आने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और दूसरी अपडेट है बनारस की टेंट सिटी की, जिसकी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सो बनारस में बन रहा है एक लग्जरी टेंट सिटी, और उसी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। सो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया कि बनारस में टेंट सिटी बन रहा है, इट्स अ लग्जरी टेंट सिटी। सो बेसिकली बनारस के घाट के उस पार बहुत सारे लग्जरी टेंट्स बन रहे हैं, जहाँ पे लोगों को रहने का मौका मिलेगा। सो ऑफकोर्स टेंट की साइजेस अलग होंगी, प्राइसेस अलग होंगी, पैकेजेस अलग होंगे, और इसमें आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो आप एक लग्जरी रिसॉर्ट या होटल में एक्सपीरियंस कर पाते हो। बेशक ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि अगर आप बनारस में आ रहे हो और आपको घाट पे ही रहने का मौका मिल जाए, तो इससे अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती, और वो भी आपके पूरे कम्फर्ट पूरी लग्जरी के साथ। सो बेसिकली पीक टाइम में बनारस में स्टे ढूंढना इतना ईजी नहीं होता, बट टेंट सिटी के कॉन्सेप्ट से ये बहुत ही ईजी होने वाला है। और यही नहीं, इसके साथ साथ बहुत कुछ है जो आपको टेंट सिटी में रहकर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल होने वाली। सो यहाँ के टेंट्स को कुछ चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द लग्जरी लेवल। तो पहला है गंगा दर्शन विलास, जो कि काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है, 900 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। और दूसरा है काशी स्वीट्स, जो कि 576 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। तीसरा है प्रीमियम टेंट्स, जो कि 504 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। एंड चौथा है डीलक्स टेंट्स, जो कि 392 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। सो इनके एरिया के हिसाब से ही इनकी प्राइसिंग भी है, जो कि सबसे लग्जरी वाला अप टू 20,000 जा सकता है, उसमें अगर आप पैकेज में सब कुछ इंक्लूड कराते हो। और जो डीलक्स टेंट है उस पे डिपेंडिंग अपॉन आप पैकेज में क्या क्या इंक्लूड करा रहे हो, 4,000 से शुरुआत होकर 7,500 तक वो जा सकता है। तो वो आपको उनकी वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा कि आपको पैकेज में क्या इंक्लूड कराना है, क्या नहीं कराना है। तो मैं बात करूँ पैकेज हाइलाइट्स की, तो आपको लग्जरी स्टे तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको डिफरेंट कुजीन्स भी ट्राई करने का मौका मिलेगा। बोट टूर भी मिलेगा, जिससे आप गंगा घाट देख सकते हो, बनारस के 84 घाटों का दर्शन कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी, जो कि हमारे बनारस की एक स्पेशलिटी में से एक है। और अगर आप बनारस आए हो तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करना तो मस्ट है, तो दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन योर पैकेज। एंड यस, आप लोगों के लिए स्पेशल हर इवनिंग को गंगा आरती ऑर्गेनाइज कराई जाएगी घाट के उस पार ही, एंड द टाइमिंग्स आर 7 PM। तो हर शाम को आपको गंगा आरती अपने टेंट से ही देखने का मौका मिल सकता है। और उसके साथ साथ आपको साइट सीइंग टूर की भी फैसिलिटी दी जाएगी, तो अगर आपको साइट सीइंग करना है तो वो भी आप अपने पैकेज में इंक्लूड करा सकते हो। सो अब बात करते हैं इस टेंट सिटी के कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स की। सो बेसिकली यहाँ पे एक फ्लोटिंग कुंड बनाया जा रहा है, जहाँ पे आप इजीली गंगा स्नान कर सकते हो। तो अगर काशी में आए हो तो गंगा स्नान तो शुभ माना जाता है, तो ऑफ कोर्स गंगा में डुबकी लगाना तो बनता है। उसके लिए आपके लिए फ्लोटिंग कुंड बनाया जा रहा है, जहाँ पे आप इजीली गंगा में स्नान कर सकते हो।
इसके साथ साथ यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी है और आपके लिए योगा सेंटर भी है, आप वहाँ पे योगा एंजॉय कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्पा और जिम की फैसिलिटी भी मिलेगी। गंगा को देखने के लिए एक वॉच टावर भी बनाया गया है जहाँ से आप पूरे काशी के घाट का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एंड देर इज अ आर्ट गैलरी एंड क्राफ्ट बाजार ऑल्सो जहाँ पे आपको बनारस से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग चीजें फाइंड आउट करने का मौका मिलेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी है मुझे, सो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। एंड यस, इस वीडियो को आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेगा जो बनारस आने का प्लान कर रहे हैं, जिनके बकेट लिस्ट में वाराणसी डेस्टिनेशन है, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विटनेस वाराणसी विथ लग्जरी। सो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये 10 सिटी लिमिटेड पीरियड के लिए ही रहने वाला है। So, ये इसका इनॉग्रेशन हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर करने वाले 13th of January को, और फिर ये इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड जहां तक एज पर द रिपोर्ट्स, इट गोना बी लास्टिंग टिल 31st of May। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, जस्ट अ लिटिल डिस्क्लेमर, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करके निकाली है, सो दिस माइट कैन बी सब्जेक्ट टू चेंज। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज मैं बनारस के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। एंड यस, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।